नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के अंबेडकर चौक और परशुराम चौक के बीच में। साथियों, मेरे आने का कारण यह है क्योंकि यहाँ पर एक जेब कतरे को यहाँ पर रंगे हाथ पकड़ा जाता है। यहाँ पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं, यहाँ पर सभी लोग हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और आग बबूला है। आप देख सकते हैं किस तरीके से इसने हाथ में बीड़ी भी ले रखी है। सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और डायल 112 की टीम भी मौके पर पहुंच जाती है। अब जानते हैं पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या। भाई साहब कहाँ गए अभी? भाई साहब इधर एक मिनट इधर आओ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जेब कतरे को रंगे हाथ पकड़ा गया है। सभी साथियों से गुजारिश करूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। आप देख सकते हैं ये आंप रहा है और इसने पता नहीं कोई नशा कर रखा है या नहीं कर रखा है, इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते। आपने क्या क्या जेब काटी है ये बताओ? मैंने काटी नहीं भैया, मैं पीछे डाल लेकिन मैं अगले चौक पे छोड़ देना, बस मैं इतना ही किया था इसको। ये कहता मेरी जेब काट ली, मैंने कभी कोई जेब नहीं काटी। मेरे मैं काटी होती तो मेरे पास मौके पे इसने उतर के डाले पे पकड़ लिया। हैं? आपके साथ एक लड़का भी है? कोई लड़का नहीं है भैया। कहने लग रही कोई लड़का नहीं है भैया, वो गायब है। पूरी कहानी क्या है बताएं भाई साहब, क्या बात है? इधर आ जाओ। पूरी कहानी है भाई साहब। हाँ जी, मैं अम्बेडकर चौक पर ट्रैक्टर मोड़ रहा था, ये उकबाड़ी जी के बीच में बैठा था। उन्होंने मेरे को पता नहीं भाई, मन मैं इसको रोक के इसके दो थाप भी मारे हैं मैंने। मैं बोले बहन चो नशेड़ी, तू बीच में आके मरेगा क्या? बोलो मेरे को अगले चौक पे उतार दियो। तो मैं तेरे को चढ़ना था। किस व्हीकल पर थे आपकी? ट्रैक्टर पर था। हाँ, ट्रैक्टर पर था। तो मैंने इसको बोला भाई तेरे को चढ़ना में था तो तू यहाँ भी बैठ सकता है, वहीं पर नहीं बैठा। इसके मैंने दो थाप भी मारे हैं। हाँ। दो तीन थाप मारे वहां पर। हाँ। फिर ये ट्राली पे चढ़ गया पीछे। हाँ। मैं यहाँ आके कुदरती है ना। हाँ। मेरे जेब में हाथ मारा ऐसे हाथ मारा। हाँ। तो ये देखो जी, ये जेब कटेड़ी थी। अच्छा। भी पैसे इसने काटे हैं कि भाई रस्ते में पड़े हैं कि वो मेरे को पता नहीं है। हाँ। भी इस जेब इसने काटी है इतना मेरे को पता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे साथ मैं बताऊँ, मेरे पे जेब के अंदर 20,000 रूपए थे, 10,000 रूपए इस जेब में थे, एक मूंग की पर्ची और थी। मैं लक्ष्मी बीज भंडार पे अपने बीज मूंग बेच के आया हूँ। सबसे पहले बता देना चाहता हूँ इनसे लिफ्ट लेकर, और ये जेब है, जेब काट ली और जेब के अब देखो किस से जेब काटी है ये पता नहीं। अब जेब का हाथ आर पार हो रहे हैं और ऐसे चोर है पता नहीं। मैं अम्बेडकर चौक पे कैमरे लगे हुए हैं, आप वहाँ पर फुटेज देख सकते हो। अच्छा, आप फुटेज देख सकते हो वहाँ पर। ये हुक के बीच में बैठा है ना, बैठा है। मैंने रोक के वहाँ पर इसके दो थाप भी मारे हैं। ये है जी। आप रानिया रोड से हो? नहीं जी। तो कहाँ से हो? फतेहाबाद से हो। यहाँ क्या करने आए हो? मैं कोई सामान लेने आया था। क्या सामान लेने आए हो? राखी रुखी लेने आया था जी। राखी फतेहाबाद मिले को नहीं? भाई जी घूमने आया जी। आटा बढ़िया मिले है राखी? घूमन आयो भाई जी। घूमने क्यों आटे, कोई मनाली है घूमने आयो? जेब काट लिया। जेब काटना है स्पेशल है ना भाई जी? जेब मैं तो काटी को नहीं भाई जी। क्यों आटा घूमने के बढ़िया पारा कैर बन रहे है? ये आप देख सकते हैं डायल 112 की टीम भी मौके पर पहुंच जाती है और यहाँ पर भाई साहब को ट्रैक्टर से इस लड़के को लिफ्ट देना भारी पड़ गया और उसके बाद में इस भाई साहब की है वो जेब कट जाती है। अब इस लड़के को अब थाने में ले जाया जाएगा और आपको मैं बता दूं कि ट्रैक्टर से लिफ्ट देना भाई साहब को महंगा पड़ गया और आप देख सकते हैं वो लड़का नशे में भी था और पुलिस की टीम है उस लड़के को अपने साथ ले जा रही है और यहाँ पर सभी लोग हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। सभी साथियों से गुजारिश करूंगा वीडियो को शेयर करें, जागरूक रहें, सतर्क रहें। इस तरह के चोर हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। आपसे लिफ्ट लेंगे, लिफ्ट के बहाने से आपकी जेब है वो काट देंगे। और भाई साहब के कितने पैसे थे भाई साहब? भाई साहब कितने पैसे थे? 10,000 रुपया जी। 10,000 रुपए निकाल? हाँ जी। जेब से 10,000 रुपए निकाल लिए और जेब को पता नहीं ब्लेड से काटा है या चाकू से काटा है, किस से काटा है। अब भाई साहब की जेब से 10,000 रुपए निकाल कर उस चोर ने अपने दूसरे साथी को दे दिए। सभी साथियों से गुजारिश करूंगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पुलिस की टीम है उस लड़के को लेकर अपने साथ जा रही है और भाई साहब ने मानवता और इंसानियत के नाते, क्योंकि ये रास्ते के बीच में खड़ा था तो इसको लिफ्ट दी थी और लिफ्ट देना भाई साहब को भारी भारी पड़ गया और जेब से 10,000 रुपए निकल गए।
तो सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कॉमेंट करके।